हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी, जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी कि त्रिकोणमिति पर ही आधारित ये प्रश्न है। तो त्रिकोणमिति अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आप बना लेंगे, नहीं तो फिर इससे पहले मैं एक वीडियो जस्ट इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। उसमें मैं पूरी डिटेल से बताया हूँ इसके प्रॉपर्टी के बारे में, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होता है, क्या समझना है इसमें, ठीक है। अगर वो 20 मिनट का वीडियो आप देख लेते हैं तो फिर मैं जो सवाल बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो देख लिए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ना, तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप। देखिए इसमें जो भी होता है सब 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज की तरह ही फिगर बनाना पड़ता है, और सबसे महान काम इसमें है फिगर बनाना। जब फिगर बनाना आपको आ जाएगा समझ लीजिए आधा सवाल सोल्व हो जाएगा। तो फिगर बनाना सबसे बड़ा काम है, ठीक है, और कोई भारी काम भी नहीं है। फिगर बनाना कोई भारी काम नहीं, बहुत आसान काम है फिगर बनाना, ठीक है। सबसे बड़ा काम का मतलब ये नहीं कि बहुत भारी काम है, आसान काम है। तो आइए हल करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ये आपका NCERT का बुक का है, ठीक है, जो मैट्रिक क्लास का, और 9.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, समझ रहे हैं। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई क्या कीजिए। अब हमको एग्जाम में कैसे बनाना है, बस मैं उसी तरह बताऊं, एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, यूं ही नहीं इसे बना देना है। तो हमको लिखना भी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेढ़ा लिखाएगा क्योंकि मैं डिजिटल से लिख रहा हूँ, तो टेढ़ा मेढ़ा लिखाएगा तो आप सीधा कर लेना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिगर बनाओगे, है ना। देखो ये फिगर मैं क्यों बना रहा हूँ ऐसा, अब देखिए आपको मैं बताता हूँ इसकी हकीकत क्या है। एक सर्कस एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। देखो यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक सर्कस है, ठीक है, और कलाकार जो है सर्कस का वो 20 मीटर लंबी डोर टना हुआ है, जो कैसे टना हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई मतलब टाइट से है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, यानी कि जो भूमि यहाँ पे जमीन है, जमीन से टना हुआ शिखर तक लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो रस्सी है ना, जमीन से लेकर शिखर, खंभे के शिखर तक लगा हुआ है, और इस रस्सी पे चल रहा है, और इसका कितना दिया, 20 मीटर दिया रस्सी की लंबाई, यानी बोल रहा 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, ठीक है, अच्छा समझे इसे। यदि भूमि पर भूमि स्तर के साथ डोर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो मैं आपको बताया था जब भी कोण बनेगा 30 बनेगा, 60 बनेगा, 45 बनेगा, यही तीन कोण में ज़्यादा घुमाना पड़ेगा आपको, अब घूमना पड़ेगा, और वही साइन कैश साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट का फॉर्मूला अगर याद है, लंबा करना है, अधर बटा करना है ना, तो इस तरह से आप आराम से बना पाएंगे। अब देखो इसका हम मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए और बी क्या है, खंभा होगा, जाहिर सी बात खंभा तो सीधा खड़ा रहेगा, तो हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एच मान लेते हैं, और ये आधार है। देखो इसमें क्या है ना, आपको यहाँ पे दिमाग में ये रखना पड़ेगा, हमको निकालने क्या बोल रहा, दिया हुआ क्या है, निकालने क्या बोल रहा, दिया हुआ है खंभे में जो डोर लगी हुई उसकी लंबाई दी हुई, ठीक है, और ऊंचाई निकालने बोल रहा, यानी कि कर्ण दिया है हुआ है और लंब निकालने बोल रहा, तो आधार से कोई मतलब नहीं है, है ना। अब आपको पता है लंब बटा कर्ण कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता, या कर्ण बटा लंब भी तो कोई फार्मूला होता है, दोनों से कोई भी करोगे तो आपका आंसर उतना ही आने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या माने हम, एच मान लिए, ये तो माने हैं ए बी खंभे की ऊंचाई, और क्या है, जो जहां जहां ए सी खंभे, अपना अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है, खंभे के शिखर है ना, खंभे के शिखर से भूमि पर तनी डोर की लंबाई है, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, अपना लैंग्वेज में लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिखा वही लिखना, आपको जो समझ में आ रहा है इस फिगर से वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप दे सकते हैं कि यहाँ पे कोण बना दीजिए ए सी बी, है ना, कोण तथा है तथा कोण ए सी बी बराबर
तीस डिग्री ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक हो गया। अब हम देखो क्या है, ये जो आपका 30 डिग्री कोण है, मैं बताया था जब कोण यहाँ पे हो उसके सामने वाला यानी कि सम्मुख जो भुजा होता है वो लंब होता है, जो आपको फिगर भी दिख रहा है लंब हमारा यही है और एक कर्ण है नीचे आधार है। अब कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें जिसमें लंब बटा कर्ण होता है, कौन सा फॉर्मूला है आपको याद होगा, साइन बटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा पर लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि क्या लिखते हैं लंब को, हम लंब को यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए बी लिखा हुआ है, यही ना लंब है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर थीटा की जगह पे दिया हुआ 30 डिग्री है ना। तो देखो अगर इसको चाहो तो यहाँ पे नहीं लिख के आप यूँ भी लिख सकते हो लंब बटा कर्ण पी बाई बी एच, ऐसे भी डाल सकते हो, या तो फिर या तो इस लाइन को काट करके इस लाइन को काट ही देता हूँ मैं, ठीक है, इतना झोल झाल लिखने इस लाइन को मैं मिनट मिटा ही देता हूँ, एक मिनट उस लाइन को मिटा ही देता हूँ, आप सिंपल से ही बना लो, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री वाला बना रहे हैं तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या, साइन थीटा बराबर मतलब 30 डिग्री मतलब थीटा मान लो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब क्या हमारा ए बी है और कर्ण क्या है ए सी है। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है आपको पता है 1/2 होता है, और ए बी का मान क्या, हम ए बी को क्या माने एच माने, तो हम ए बी को हम एच लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी बराबर एच, और ए सी कितना दिया हुआ, ए सी कितना दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी खंभे की लंबाई है भूमि से इतनी दूर इसलिए ए सी बराबर 20 मीटर, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बना दिए हैं उसके बाद आपको पता नहीं ये तिरछा तिरछी क्या होता है गुना होता है, एच को 2 से करेंगे तो 2H होगा, अब 20 को 1 से करेंगे 20 होगा। अब देखो एच निकालना हमको तो 2 जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 दहें के 20, तो एच बराबर कितना आ गया 10 मीटर आ गया, कितना आसान से बस यही हमारा आंसर आ गया, यानी कि एच जो ऊंचाई निकला है वो क्या है 10 मीटर, यानी कि खंभे की ऊंचाई क्या है 10 मीटर है। तो देखिए कितना ईजी बना, अब ये ईजी कैसे बना, ईजी क्या कारण है जो ईजी बना, तो ईजी होने का कारण ये है कि ये फिगर, ये जो जब फिगर आप बनाए ना, फिगर बनाने के बाद आपका जो है ना आधा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, और एग्जाम में फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, फिगर आप नहीं बनाएंगे तो नंबर भी हो सकता है नहीं मिले, फिगर बनाएंगे तो जो एग्जामिनर होता है कॉपी चेक करने वाला वो इफेक्ट होता है आपसे, और यहाँ पर जो अपने वर्ड से जो लिखते हैं अपना मन से जो वर्ड लिखते हैं, ऐसे नहीं कि किताब में जो दिया हुआ वाला लिखना है, अपना मन से जो वर्ड लिखते हैं तो एग्जामिनर भी जानता है जी कि ये अपना मन से लिखा है या तो फिर किताब वाला छाप तो नहीं दिया है, है ना, या रट तो नहीं लिया, ऐसा भी होता है। तो आपके अंदर नॉलेज क्या है वो यहाँ पे दिखता है, आपके मन में जो बात आ रही है वो इस फिगर के हिसाब से यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और जो भी लिखो किसी का गलत नहीं होगा। अब इसमें देखो इसमें कुछ करना क्या है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, माना कि ए बी जो है खंभे की ऊंचाई है और ए सी जो है डोर की लंबाई है, ए सी बराबर 20 मीटर है ना, कौन जो है लिख देना कौन ए सी बी बराबर 30 डिग्री, इतना भी लिख देंगे चलेगा, मतलब अपना मन से लिखना है कुछ भी लिखो। और यहाँ पे जब ऐसे बना लिया तो ये दिख रहा डायरेक्ट साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, हम यहाँ पे बैठा दिए लंब कितना हमारा एच दिया और कर्ण 20 है, अब इसको हल्के तो कितना आ गया 10 मीटर, कितना आसान से हमारा ये आंसर आ गया। ईजी सवाल है कि नहीं, ईजी सवाल है कि नहीं, ये चैप्टर ही बहुत ईजी है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सवाल काफ़ी लंबा लंबा दिखेगा, लिखा हुआ जो आपको दिख रहे कितना 3 लाइन में मेरा अट गया है, और मेरे ख्याल से आप इसको कॉपी में लिखोगे तो मेरे ख्याल से कम 5-6-7 लाइन जरूर जाएगा, 5+ लाइन चल जाएगा आपकी कॉपी में अगर लिखेंगे तो, क्या कहते हैं इसके बारे में। चलो तो सबसे बड़ी बात है समझना, समझ में आ गया, चलो तो एक सवाल और यानी कि सवाल नंबर सेकंड पढ़ते हैं क्या बोलता है उसको। ओके तो देखिए अब सेकंड आपका सवाल, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है और आप लोग को भी मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन कर सकता है, तो इसको अच्छा से समझिए और अच्छे से बनाएंगे इसको। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या बोलता है, ठीक है, बहुत ईजी से ये बना प्रश्न है, बोलता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, आंधी जब आया तो एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि पेड़ खड़ा था, ठीक है, ये पेड़ खड़ा था तो जमीन तो रहेगा ही रहेगा, है ना जी, पेड़ खड़ा तो जमीन पे तो खड़ा रहेगा पेड़, ये तो जब मानते हैं सब लोग मानते हैं। तो बोल रहा अब आंधी आया कस के आंधी आया तो पेड़ क्या हुआ टूट गया, और टूटा हुआ भाग क्या बोल, देखो बोल रहा टूटा हुआ पेड़ मुड़ जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूटता है, मान लो तो पेड़ यहाँ से टूटा ये जो लंबाई था और टूटा और टूट के यहाँ पे आके लग गया,
मैं यहाँ पे लंबा बना दूँ, मतलब ये नहीं कि इतने बड़ा पेड़ था, इसका मतलब ये नहीं समझो, ठीक है। मतलब कि ये है कि पेड़ की ऊंचाई लो बड़ा करते, इतना बड़ा पेड़ था, हो गई। और पेड़ जब आंधी आया तो क्या हुआ, आंधी आने से पेड़ जो है टूट गया। और देखो यहाँ से जो टूटा हुआ ना, यहाँ पे आके जुड़ गया के। जो पेड़ टूटा, ये जो रेड वाला लिखे ना, ये ऊपर था, और मैं इसलिए रेड से लिखा था कि आपको पता चले, ये ऊपर से आके नीचे आके टूट के गिर गया। अब बोल रहा तो गिरता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद, पाद के मतलब पेड़ का जो जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, पेड़ का जो पैदाना होता है ना, यानी कि पेड़ का जो आधार होता है उसको बोलता है पेड़ के पाद। बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से, ठीक है, जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है, जहाँ जो पेड़ का जो शिखर, यानी कि यही शिखर है, ये जो टूटा है, ये जो पेड़, ये रेड वाला हम लिखे हैं करने वाला, ये टूटा हुआ भाग है और जमीन को जहाँ पे छूता है, वो बोला जहाँ पे छूता है 8 मीटर दूरी पे है। अब बोलता है पेड़ की ऊंचाई निकालने, तो पेड़ की ऊंचाई कितना भाई, मेरा तो पूरा पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ की ऊंचाई है ना, और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो देख रही है क्या है, ये जो टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग है कि नहीं, और यही टूटा भाग क्या बन गया, हमारा कर्ण बन गया। समझ रहे, अच्छे से उसको समझिए, ये एक पेड़ था, ठीक है, ये एक पेड़ था जो ग्रीन से दिख रहे हैं इतना लंबा, और आंधी आया ना तो यहाँ से जो मेरा रेड से जो इधर आया है, ये आंधी आने के बाद ये वाला जो देख रहे हैं जिस पे मेरा कलम जा रहा, ये वाला टूट के आके जमीन पे लग गया, तो इतना दूर भी टूटा तो पेड़ के ही लंबाई हो गया। ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये पूरा क्या है, पेड़ की ऊंचाई है, बड़ा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। और पेड़ के पाद बिंदु से और जहाँ पे लगता है उसका शिखर, तो पॉइंट यहीं पे आके गिरेगा, इसका जो फुलंगी है कहाँ पे आएगा, नीचे तो आएगा ही आएगा, तो उसका जो पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है, 8 मीटर की दूरी बनता है। तो अब हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखो पहले तो हम लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको ए मानते हैं, यहाँ पे बी मानते हैं, यहाँ से सी, यहाँ पे डी मानते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि हाँ ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ये मान लेना ऊंचाई है, जहाँ जहाँ हम लिखना पड़ेगा कि जो ए डी है, जो ए डी की जो ऊंचाई है वही क्या है, डी सी है ना, वही ना, ए डी जो है यहाँ से यहाँ तक वही भाग टूट के मेरा क्या बन गया, डी सी बन गया, ठीक है, डी सी वाला भाग बन गया, एक मिनट, हाँ डी सी वाला भाग में जो ए डी था वही टूट के क्या बना, डी सी बना, इसलिए हम लिखे ए डी बराबर डी सी। तो जो डी सी का वैल्यू निकलेगा वो हमारा ए डी निकल जाएगा, है ना। अब क्या है हमारा, ये आप लिख सकते हैं, पेड़ के शिखर से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पेड़ पूरा वर्ड वो लिखना पड़ेगा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर, अच्छा से लिखना आप लोग, जमीन को छूता है, तो क्या हो गया, पेड़ की दूरी बी सी बराबर 8 मीटर है ना, हो गया। और यहाँ पे कौन लिख सकते हैं, है ना, कौन लिखते हैं, बी ए सी, ए सी है क्या है यहाँ पे, हाँ देखो डी सी बी है, डी डी ए नहीं डी सी बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन बी लिखो, बी सी डी या डी सी बी कोई भी 30 डिग्री, ये लिख लो। इतना लिखने के बाद देखो क्या करना है, ये तो हो गया 30 डिग्री का कौन बन रहा। अब देखो इसको अच्छा समझिए, अब हमको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, इसमें दो कंडीशन से बना सकते हैं, देखो आधार दिया हुआ है तो हमको लंब भी निकालना पड़ेगा और कर्ण भी निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लंब और कर्ण दोनों जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा, समझ रहे हैं, लंब और कर्ण, कर्ण तो टूटा हुआ भाग है, तो लंब वाला ये जो यहाँ से यहाँ तक भाग है और जो टूटा, ये दोनों जोड़ेंगे तब नहीं बनेगा पेड़ की ऊंचाई, तो ये लंब और कर्ण दोनों निकालना पड़ेगा। अब देखो ये कि हमको कर्ण पहले निकाले कि लंब निकाले, तो ये आप पे डिपेंड करता है, किसी पे भी निकाल सकते हैं। अच्छा चलो हम लंब पहले निकालते हैं, लंब, तो अगर लंब निकल जाएगा तो फिर पाइथागोरिक नियम बैठा देंगे, फिर हमारा कर्ण भी निकल जाएगा, है ना, ये जिससे, और नहीं तो फिर लंब निकालने के बाद और फिर आप साइन वाले या फॉर्मूला बैठा दो तो भी निकलेगा, बात बराबर है। तो चलो पहले लंब निकालते हैं, तो लंब यानी कि बोले तो बी डी निकालते हैं, एक मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए क्या टैन 30 का मान, लंब बटा आधार, देखो लंब और आधार, टैन अगर 30 डिग्री लेता है तो इसके लिए तो लंब ही बनता है, लंब क्या है डीबी है, आधार क्या है बीसी है, टैन बराबर होता है कि नहीं लंब बटा आधार, डीबी बटा बीसी,
अच्छा कुछ वैल्यू माने नहीं, चाहो तो आप मानो चाहे तो नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। मान लो तो भी और नहीं मानो तो भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टैन 30 का मान कितना होता है, आपको पता है टैन 30 का मान 1/√3 होता है। बस फिगर बनाना जो प्रॉब्लम, बाकी इसको आराम से बन जाएगा। अब डीबी का तो हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ, डीबी बीसी का वैल्यू दिया हुआ 8। अब इसको हल करो पहले, तो हम इसको डीसी को √3 से गुना करेंगे और 8 इधर चल जाएगा, और डीसी बराबर क्या हो जाएगा देखो तो 8/√3। अब इसको ऐसे ही रहने दो, अभी आंसर नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या डीसी कितना निकल गया, ये जो डीसी है कलर चेंज करके आपको बताते समझ में आएगा। देखो ये डीसी कितना आया 8/√3, दिख रहा है आपको, डीसी आ गया 8/√3। तो लम हमको पता चल गया, आधार पता चल गया, तो अब पैथागोरस नियम बैठा दो, कर्ण निकल जाएगा, और फिर ये दोनों कर्ण और आधार को जोड़ दो तो फिर क्यों ऊंचाई निकल जाएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, लम बटा कर्ण होता है ना sin बराबर 37 का, उसे भी वैल्यू निकालो और दोनों को जोड़ दो, बात बराबर है। तो ज़्यादा आसान तो मेरे ख्याल से लग रहा है पैथागोरस फॉर्मूला बैठा दो नियम और कर्ण निकाल लो, सबसे ईजी रहेगा, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अब AC बराबर कर्ण, क्या हमारा AC है DC है, सॉरी DC है ना, कर्ण क्या DC है, तो हम यहाँ पे DC, गर्मी ज़्यादा है ना इसलिए AC का हमको याद आ जा रहा, DC कर्ण DC बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है हम जानते हैं, लम का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का ओवर रूट होता है, यानी कि DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कलम चेंज लिखे, आप कलम मत चेंज करें एग्जाम में, DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एग्जाम में कलम चेंज नहीं करना है, सिर्फ ब्लू और ब्लैक से ये दोनों से लिखना है, ठीक है। DB का वैल्यू कितना है, देखो DB का वैल्यू अभी निकला हमारा ना 8/√3, DB है हमारा, DC है, एक मिनट, DB है ना जी, यहाँ पे एक मिनट मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई, ये जो है DB तो है तो DB रहेगा ना, DC क्यों किया हुआ मैं, DB रहेगा, ठीक है, और ये भी आपका DB रहेगा, हो गया। अब इसको देखो तो DB का मान कितना आया 8√3, तो 8√3 का स्क्वायर, और ये बड़ा वाला जो स्क्वायर तो देंगे ही, अब BC का मान कितना, तो 8 तो है ही था दिया हुआ, और ये ओवर रूट ऐसे दे दो। अच्छा उस तरह से उस नियम से ये बना देंगे आपको, ठीक है, टेंशन मत लो। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और √3 का कितना होगा 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 64 लिखे काम, 8 का स्क्वायर 64। अब ये क्या है जी, अंदर अंदर उसको भिन्न का जोड़ बनाओ इसको, देखो तो 3 हो जाएगा एलसीएम, 64 प्लस 64 को 3 से गुना करो, 4 3 12, 6 3 18 19 हो गया। अब इसका 192 हो गया, अब जोड़ दो, 4 2 6 9 6 15, 256/3, 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का होता है, और √3 का तो नहीं निकलेगा तो √3 ऐसे रहने दो। अब देखो हमारा DC पता चल गया, DC पता चल गया करने, अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB लिखे ना, पेड़ की ऊंचाई लिखे हम AB, AB जो है पेड़ की ऊंचाई है, तो AB के लिए क्या है, AD और DB दोनों मिलाकर होना चाहिए पेड़ की ऊंचाई, और AD कितना बराबर, AD जो है DC के बराबर है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई बराबर है, क्या लिखे हम AB, AB बराबर क्या लिखते हैं हम बोलो तो, AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, DB बट DB प्लस DC, क्योंकि DC ही क्या है AD है ना, DC क्या है AD है, तो DB प्लस DC लिख दो, DB प्लस DC लिख देते हैं हमें, DB प्लस DC। अब DB का मान कितना है, देखो DB कहाँ गया, हाँ ये देखो 8/√3, एक मिनट क्यों ऐसे हो रहा, हाँ 8/√3, और DC का मान तो यही तो निकला है 16/√3। लो इसको हल कर दो, अब क्या बना इसमें कुछ तो जाने नहीं है, √3 हो गया, 8 प्लस 16 कितना गया 24√3। अब ये आंसर नहीं आया, जब भी ऐसा आता क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे दोनों को गुना करते हैं। अब गुना कर दो तो 24 को 3√3 करेंगे तो 24√3, ये तो जानते हैं बचपन से सीखते आ रहे हैं, और √3 को √3 करेंगे तो 3 3 8 24, क्या गया 8√3, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जी। तो इसका आंसर हमें कितना आ गया 8√3 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। अब आप बोलेंगे सर नहीं इस नियम से मत बनाए, ये जो DC निकाला है हमको उस नियम से बना के दिखाइए ना, जो आप लम बटा करने, तो चलो उसको बनाते यहीं पे, बनाते जगह खाली दिख रहा यहीं पे बनाते हैं, क्या यहाँ पे लिखते हैं एक मिनट यहीं पे बनाते हैं। अब देखो हमको लम तो पता निकल गया आपको, हमको कहाँ गया, हाँ लम तो निकल ही गया, लम कितना 8√3। अब कर्ण निकालते, कर्ण का क्या फॉर्मूला होता है,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा डिग्री। लंब कितना हमारा है डी बी है और कर्ण कितना है डी सी है। देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, डी बी का मान कितना आया था 8√3 और डी सी का मान तो हमको निकालना ही है, डी सी तो निकालना है। अब देखो जी आपको पता है ना कि जब गुना भाग को पलटते गुना में, ये जो ये बड़ा वाला भाग यहाँ पे भाग को पलटेंगे गुना में तो √3 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 1/2 8/√3 डी सी हो गया। अब 8 को 2 से गुना करेंगे अर्धुना 16/√3 डी सी हो गया। अब डी सी का मान निकालो, अब डी सी बराबर क्या निकालेंगे 16/√3। ये तो और आसान से आ गया ना, ये तो और आसान से आ गया, लो इतना बड़ा लंबा क्यों किया हम, ये तो और आसान से आ गया। चलो कोई बात नहीं, किसी नियम से भी करो, नंबर एक नंबर भी नहीं कटने वाला, ठीक है। मैथ बहुत तरीके से बनता है, आप जिस तरीके से बनाओ, लेकिन एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीके से बनाएं। और इतना ही मत समझिए कि एग्जामिनर बुद्धा मतलब चला के रहता है, ठीक ठाक रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो बट देखो यहाँ पे डी सी का मान आ गया 8√3, कहाँ गया मेरा पिन, हाँ डी सी का मान आ गया 8√3 और यहाँ भी निकाला डी सी का मान, सॉरी 16√3 आ गया और यहाँ भी निकाला तो 16√3 आ गया, और फिर दोनों का जोड़ दो तो हमारा आंसर आ गया 8√3, समझे। तो किसी भी नियम से बनाओ आपका आंसर आने वाला है। अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पहले हम टैन 30 का ही निकाले, लंब ही निकाले, पहले आप कर्ण भी निकाल सकते हो। कर्ण बटा आधार होता है कि नहीं फॉर्मूला में, कर्ण बटा आधार किसका होता है, तो आप बोलेंगे कॉट का होता है, होता है लाल कक्का, तो कर्ण बटा आधार सिक का होता है, सॉरी सिक का होता है ना, या तो फिर आधार बटा कर्ण भी निकाल सकते हैं, आधार बटा कर्ण भी फॉर्मूला ले सकते हैं। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है आपका कॉस का होता है ना, कॉस का होता आधार बटा कर्ण, तो उससे भी निकाल सकते हैं, ये आपका कर्ण निकलेगा और फिर लंब निकाल सकते हैं। यानी कि पहले इसको निकालो या इसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इतना बात दिमाग में रख लेना। ऐसा नहीं कि ऐसा होता है कि हम एग्जाम दे रहे बगल वाला लड़का दोनों सेम सवाल बना रहे हैं, लेकिन पहले निकाल लिया उकर ने, हम निकाले लंब, अब देखा उसका कॉपी, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, तो हम तो लंब निकाल लिए पहले, वो तो पहले कर्ण निकाला, सही है कर्ण निकालना चाहिए, गलत करते आप। आपको मैं बता रहा हूँ दोनों से कोई भी निकालो, यहाँ पे तो कोई मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं, ये अलग है ये अलग है, दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा इसका वैल्यू फिर इसमें बैठाना पड़ेगा, इसका आया 8√3 तो यहाँ पर बैठाएं, और इसका अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू फिर हमको इसमें बैठाना पड़ता, लेकिन आंसर हमारा वही आता 8√3 ही आंसर आता, इतना ही आंसर आता, समझ गए। तो चलो इस वीडियो में मैं दो ही सवाल रखता हूँ, क्योंकि सवाल देखो कितना लंबा लंबा है, आप इसको अच्छा से समझना, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो प्ले करना, है ना, उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पर सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ठीक है। वहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया हूँ और वहाँ जाकर के आप मुझे मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो, सवाल प्रॉब्लम रखो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हल करके देने के लिए। चलो फिलहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और जो पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलो ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।